हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है गुजरात की तरफ से, गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो गुजरात समझ के आप ये मत सोच लग जाना केवल गुजरात के लोग ही भर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी हो आप तो एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। बहुत ज़बरदस्त ओपनिंग है, डिटेल में डिस्कस करेंगे किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी सैलरी मिलने वाली है, क्या एज लिमिट है और इसमें क्या क्या सिलेबस में आने वाला है। ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी हो आपका डोमिसाइल तो आप इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जीएमआरसी यार है तो गुजरात की ये पीएसयू, लेकिन ऑल ओवर इंडिया से मेट्रो का काम कराने के लिए जो कि गांधीनगर और अहमदाबाद में मेट्रो लिंक एक्सप्रेस का काम करेगी। ठीक है, तो चलो अब मैं डिटेल में बताता हूं क्या क्या आपका इसमें होने वाला है काम। और देखो उससे पहले दोस्त, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लो, वहां पर मैं नोट्स प्रोवाइड करता रहूंगा और नोट्स के लिए मैं वहां पर पीडीएफ जो भी आप बोलोगे वो वाले पीडीएफ प्रोवाइड करता रहूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार इसका तो कोई विकल्प आपके पास है ही नहीं, इसको तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन डिटेल से और टाइमली मिलती रहेगी। तो देखो यार, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके 10 मई से स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, और 9 मई इसकी लास्ट डेट होने वाली है, तो उससे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर लेने हैं, मेक श्योर। और एप्लीकेशन फीस भी इतनी ज़्यादा खास नहीं है। अब देखो मैं पहले बता दूँ इसमें कौन कौन एलिजिबल है। सबसे पहले देखो यार, अगर आपने बीई बीटेक कर रखी है तो आप इसमें एलिजिबल हो जाते हो। बीई बीटेक के अलावा डिप्लोमा कर रखा है फिर भी एलिजिबल हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये सारे स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हो जाते हैं। बहुत पोस्टें आपकी लगभग 400 के आसपास आपकी वैकेंसीज निकली हुई हैं, ठीक है। और इसमें एज लिमिट आपकी 28 साल है, जिसके पास 28 एज लिमिट हो। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी बी बीटेक या डिप्लोमा दोनों स्टूडेंट एलिजिबल हैं, हायर डिग्री की यहाँ पर मैंशन कर रखा है। और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये सारे स्टूडेंट एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे मैं पूरा बताता हूँ, अगर इन ब्रांचेस से और इस डिप्लोमा या बीटेक से नहीं हो आप तो वीडियो छोड़ के मेरे दोस्त आप जा सकते हो, आपके लिए और भी जो अपॉर्चुनिटी आएंगी वो मैं प्रोवाइड करता रहूंगा, ठीक है। तो अब देखो यहां पर जो आपके लिए रिक्रूटमेंट दे रखा है एससी एंड टीओ का, तो यहां पे आपको ग्रेड इन आईडीए मिलेगा 33,000 से लेके 1,00,000 तक का। नेम ऑफ पोस्ट स्टेशन कंट्रोलर ट्रेन ऑपरेटर, ठीक है, जो मेट्रो का होता है। और 150 वैकेंसी है आपकी, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी डिसिप्लिन में से किसी में भी आपकी डिप्लोमा या डिग्री होगी तो आप एलिजिबल हो जाओगे। यहां तो डिप्लोमा लिख रहा है नीचे, लेकिन यहां पे उन्होंने लिख रखा है एसटेक के आगे कि आपके पास में हायर डिग्री है डिप्लोमा से तो भी आप एलिजिबल हो। 18 से लेकर 28 साल आपकी एज लिमिट है, ठीक है। और उसके बाद में आपकी कस्टमर रिलेशंस के लिए साइंस ग्रेजुएट होनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में, तो भी आप एलिजिबल हो जाओगे, यानी कि बीएससी की डिग्री। इलेक्ट्रिकल जेई की वैकेंसीज अलग हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की जेई की वैकेंसीज अलग हैं, जेई मैकेनिकल की वैकेंसीज अलग हैं, जेई सिविल की वैकेंसीज अलग हैं। रिस्पेक्टिवली यहाँ मेंशन कर रखा है 31 वैकेंसीज आपकी, 28, 12, 6 और एज लिमिट जो होने वाली है वो 28 साल ही होने वाली है। और जहाँ डिप्लोमा जहाँ लिख रखा है उसके साथ में आपकी बीटेक भी एलिजिबल होने वाली है, ठीक है। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया। फिर MTNR में आपकी वैकेंसीज हैं 58 जो कि ITI वाले स्टूडेंट्स के लिए, और हायर डिग्री यानी कि डिप्लोमा है तो भी आप एलिजिबल हो जाओगे। इसमें देखो हायर डिग्री नहीं लिख रखा है, जिसके आगे एस्ट्रिक लग रहा है, जैसे यहां पे देख सकते हो आप, इस जगह पे आपका एस्ट्रिक लग रहा है, सॉरी एस्ट्रिक नहीं, ठीक है। उन सब में आपका डिप्लोमा के साथ साथ बीटेक भी एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको इतना मेंशन हो रखा है, जहां ITI की डिग्री लिख रखा है वहां पर ITI वाले स्टूडेंट ही भर सकते हैं, डिप्लोमा वाले नहीं भर सकते हैं। अब देखो यहां पर कहोगे आप यार कहां लिख रखा है, देखो ये लिख रखा है कैंडिडेट अलोंग विद द हायर क्वालिफिकेशन इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन कैन ऑल्सो अप्लाई, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी हो तो आप एप्लीकेशन भर सकते हो, बस आपके पेपर में थोड़ा सा इनका वेटेज रहेगा, वो मैं दिखा देता हूं। जॉब प्रोफाइल बहुत ही बेहतरीन है, क्या ही बताया जाए, दिल्ली मेट्रो जैसा बिल्कुल हिसाब है। अब देखो इसमें थोड़ा सा गुजरात वालों के लिए बेनिफिट है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया से कहीं से हो आप एप्लीकेशन भर सकते हो। इन्होंने उसमें 20 नंबर की गुजराती लैंग्वेज टेस्ट रखा है, ठीक है। रिटन टेस्ट 100 नंबर का होगा और 20 नंबर का आपका गुजराती लैंग्वेज टेस्ट होगा, तो उसमें नंबर लाके आप अपने इसको परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपको देखो यहां लिख रखा है द मार्क्स इन गुजराती लैंग्वेज विल नॉट बी कंसिडर्ड इन द मेरिट लिस्ट, ये केवल क्वालिफाइंग लैंग्वेज का है। 60% मार्क्स आपके आने चाहिए गुजराती लैंग्वेज में, यहाँ लिख रखा है सेल बी कंसिडर्ड, तभी आपका एप्लीकेशन कंसिडर किया जाएगा। अगर आप जनरल और कैंडिडेट हो तो 60% आपको मिनिमम मार्क्स चाहिए चाहिए गुजराती लैंग्वेज में, तो आपके 12 नंबर के आसपास हो जाते हैं। और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी में हो एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस में तो 10 मार्क्स होंगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट कितना होगा, 120 मिनट का आपका 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें
40 नंबर का टेक्निकल, और फिर उसके अलावा और भी मेंशन कर रखा है, नेगेटिव मार्किंग भी दी जाएगी, मन फोर्थ कट ऑफ स्कोर भी मेंशन हो जाएगा आपको सब कुछ, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका और करेक्टर, ये सब कुछ इसमें मेंशन कर रखा है, ठीक है। और ये जो आपके ट्रेनिंग के दौरान आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा वो आपको मिलने वाला है स्टेशन मास्टर को 16,000 का, और फिर उसके बाद में आफ्टर ट्रेनिंग जो आपको पीरियड दिया जाएगा वो आपको ये दिया जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये परमानेंट जॉब है, कोई आपकी वैसी नहीं है। तो आई होप आपको सब कुछ मिल गया है, समझ में आ गया है। देखो एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूँ तो जनरल और अनरिजर्व्ड कैंडिडेट हो तो आपको 600 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। और एससी बीसी या फिर ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको 300 रुपये पे करने पड़ेंगे, और अगर एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो आपको 150 रुपये पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया। तो और भी अगर कोई भी डाउट हुए तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ लेना। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, लिंक वगैरह मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको कहीं भी टकना नहीं पड़ेगा, आपको एक ही जगह मिल जाएगा। देखो एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है वो जनरल वालों के लिए थोड़ी सी ज़्यादा है, और आप अदर स्टेट के हो तो भी आपको मेक श्योर कि आप अनरिजर्व्ड कैंडिडेट में ही भरना। अगर आप गुजरात के कैंडिडेट हो तो ही आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा, अदर स्टेट के हो तो आपको अनरिजर्व्ड कैंडिडेट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। और डिप्लोमा बीटेक दोनों एलिजिबल है इसमें, ऐसा नहीं है कि केवल आपके पास डिप्लोमा है तो बीटेक वाला एलिजिबल नहीं है, बीटेक वाला भी एलिजिबल है, डिप्लोमा वाला भी एलिजिबल है। गुजराती लैंग्वेज का देखो 12 नंबर तक आप ले आओ, इतना पढ़ लो तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर देना, अदर स्टेट के हो, हिंदी भाषी राज्य के हो, भरना तो गुजरात वालों के लिए है ही बढ़िया चीज। और एप्लीकेशन फॉर्म भर देना भाई साहब, जीएमआरसी बहुत जल्दी से आपके फॉर्म रिजेक्ट करती है। लास्ट टाइम जो फॉर्म आए थे उसमें से लगभग 50-60% लोगों के फॉर्म रिजेक्ट ही थे, ठीक है, जो लास्ट टाइम और भी जीएमआरसी में निकले थे। तो दोस्त एप्लीकेशन फॉर्म ढंग से भरना अच्छी तरीके से। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।